हेलो एवरीबॉडी, मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। आज हम लोग ये वीडियो फिर से लेके आए हैं आप लोग के लिए, और ये वीडियो होने वाली है टाटा कंसल्टेंसी के बारे में, यानी कि TCS के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग टाटा कंसल्टेंसी के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग इसके लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म लेवल्स और शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए भी डिस्कस करेंगे लेवल्स की, कल के लेवल्स क्या होने वाले हैं TCS में। तो पहले तो मैं आप लोग को वन डे के टाइम फ्रेम बताता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसको सपोर्ट लेवल है, तो दिस इज द सपोर्ट लेवल ऑफ TCS अराउंड दिस लेवल, ओके। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इनवर्स हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है और यहाँ से मार्केट अप जाना स्टार्ट हो गई, ओके। तो दिस इज ए स्मॉल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊँ, लगातार इसमें वन डे के टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम है बढ़ती हुई आ रही है, मतलब कि लोग खरीद वॉल्यूम इसमें ट्रेडिंग में इस स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ती हुई आ रही, मतलब बुलिशनेस है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल कम टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड आप लोग 15 मिनट में जो लेवल्स बनना है, जो हम लोग का इंट्रा डे लेवल बनेगा, ओके। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट इंट्रा डे लेवल्स। तो इंट्रा डे का जो सपोर्ट लेवल है अराउंड दिस लेवल, दिस इज द फाइनल सपोर्ट एंड दिस इज द सपोर्ट फॉर टुमारो, ओके। कल का जो सपोर्ट रहने वाला है वो हम लोग का ये, और जो रेजिस्टेंस रहने वाला है कल का हम लोग का के लिए, कल के लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है अराउंड दिस लेवल, ओके। नाउ वी विल टॉक मोर, एंड अगर आप लोग को स्मॉल आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये बड़े लेवल रहने वाला है, जो वन और टू स्कैल्पिंग करते हैं, ओके, दोज हु आर स्कैल्पर्स, उनके लिए लेवल्स रहने वाला ये वाला, ओके। दिस इज ओनली फॉर स्कैल्पर, मैं फिर से बताता हूँ, ये लेवल सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर के लिए, ये जो छोटा लेवल है उसको इसी लेवल के अंदर बीच में ट्रेडिंग करनी है, ओके। क्योंकि स्कैल्पर कौन लोग होते हैं, जो आते हैं मार्केट में बहुत सारा पैसा लेके बहुत सारी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और उनकी ट्रेड बस एक दो मिनट की होती है और पैसा बना के निकल जाते हैं, ओके। तो स्कैल्पर्स के लिए ये उनके लिए सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े और जो स्कैल्पर्स नहीं है, जो इंट्राडे करते हैं, उनके लिए ये लेवल्स रहने वाला है, ये हमारा सपोर्ट लेवल रहने वाला है, ये रेजिस्टेंस यही सेम रहने वाला है, ओके। अगर कल मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देती है तो आप लोग कॉल साइड में जा सकते हैं और आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, ओके। फ्रेश बाइंग इसके ऊपर ही आप लोग कर सकते हैं। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स लेवल फॉर टॉप, इसके लेवल्स जो रहने वाले हैं वो 3295 के अराउंड रहने वाले हैं, ओके, फॉर टुमारो, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तभी, ओके। वैसे मेरी जहां तक आप एनालिसिस कहती है कि कल मार्केट थोड़ी बुलिश मोमेंटम रहने वाली है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम एड ऑन होती जा रही है वन डे के टाइम फ्रेम पे, ओके। तो दिस इज़ गुड न्यूज़। तो और अगर हम लोग पुट साइड की बात करें, जब तक इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक हम लोग इसमें पुट साइड में नहीं जाएंगे, एंड अगर पुट साइड में ये ब्रेकडाउन कर देता है तो हमारे लेवल्स क्या रहने वाले हैं यहाँ पे 3237 to 40 का, ओके, 3240 का लेवल रहने वाला है पुट साइड में टारगेट, ओके। दिस इज द टारगेट, अगर ये इसको ब्रेकडाउन कर देता है, और जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स है इंट्राडे में रिस्क लेना चाहते हैं, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आप लोग रिस्क लेके पुट साइड के ट्रेड ले सकते हैं, और उनका पहला टारगेट ये हो जाएगा, और अगर इसको ब्रेकडाउन कर देता है तो बड़ा टारगेट ये होगा। और आप लोग हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, और स्टॉप लॉस का ज़रूर से यूज़ करें, एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना भी करें आप लोग, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर से यूज़ करें, और कल आखिरी डे है तो आप लोग सेफ ट्रेड करें, ओके। तो दिस वॉज अबाउट TCS। हाँ, ए TCS में आप लोग को एक बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगा आप लोग को, थोड़ा सिखाना भी चाहता हूँ मैं, ताकि आप लोग सीखते जाएँ हम लोग के वीडियो के द्वारा, आप लोग ऐसे कोई भी टिप्स के ऊपर ना वर्क करें, आप लोग खुद से एनालाइज करना सीखें। देखिए यहाँ पे आप लोग को नहीं पता कैंडलस्टिक एनालिसिस बारे में, तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट पड़ी है एक, आप लोग उसमें कैंडलस्टिक सब सीख सकते हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो ये आप लोग एक कैंडलस्टिक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंगिंग मैन पैटर्न, ओके। दिस इज एन हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, और इस हैंगिंग मैन के बाद मार्केट डाउन आती है, मार्केट डाउन आई, ओके, और ये इनवर्स हैमर बन गया यहाँ पे। देखिए हैंगिंग मैन ने अपना काम कर दिया, मार्केट को नीचे भेज दिया, अब यहाँ इनवर्स हैमर बन गया। अब इनवर्स हैमर का क्या काम होता है, मार्केट को ऊपर भेजना, इसने मार्केट को फिर ऊपर भेज दिया, फिर से एक इनवर्स हैमर बन गया, फिर से मार्केट ऊपर चली गई, अब यहाँ बनता है एक हैमर, ओके। ये जो हैमर है ये हैमर नहीं है, ये एक हैंगिंग मैन है, क्योंकि ये भी हैमर जैसा बनता है, मगर ये अप ट्रेंड में एक छोटे से अप ट्रेंड बन रहा, तो ये हैंगिंग मैन है, इस वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हुआ आया, ठीक, ओके। डाउन होकर अब कंसोलिडेशन मोड में चला, ये बुलिश मारूबूसा कैंडल, ओके। इस कैंडल बाद बनने के बाद एक बुलिश मूव आना चाहिए, तो दैट्स वाई ये मैं कह रहा हूँ कि कल थोड़ा बुलिश मैं हो रहा हूँ TCS के ऊपर, ओके।
तो TCS को कल बुलिश रहना चाहिए. ओके, तो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ TCS. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आर टूडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून टू आर चैनल. आप लोग ऐसे डेली अपडेटेड वीडियोस पाते रहेंगे कोई भी स्टॉक से रिलेटेड, जिसके ऊपर आपको चाहिए आप लोग मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आर टूडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून टू आर चैनल एंड मोस्ट प्रोबेबली बी प्रॉफिटेबल. ओके.